ऐसे अन्य प्रश्नों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और सन 1857 के पश्चात हुए ब्रिटिश नीति में हुए नीतिगत परिवर्तन क्या थे, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 1857 के बाद जो नीतिगत परिवर्तन किए गए उनका उद्देश्य अन्य जनविद्रोह को रोकना था। किए गए नीतिगत परिवर्तन निम्नलिखित थे। सामाजिक सुधार प्रक्रिया को जारी रखने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई, अर्थात सुधारों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। प्रगतिशीलता के तथ्यों को नकारा गया, रूढ़िवादिता को समर्थन दिया गया, संकीर्णता का दृष्टिकोण अपनाया गया, सतर्कता का दृष्टिकोण अपनाया गया, प्राथमिक एवं तकनीकी शिक्षा की अवहेलना की गई, भारतीयों में उच्च शिक्षा के प्रसार का विरोध का दृष्टिकोण अपनाया गया, विशेषताएं पहले के सम्मान, श्वेत नस्लवाद का सिद्धांत, भविष्य संभव बनाने, ईसाई मिशनरियों के कार्य आदि।